से तो बहुत पहले लेने चाहिए थे, इसका जमीर वारी जाग गया। अच्छा चुनाव को देखते हुए जाग गया होगा, पर हम जब मानेंगे जी मारे हाथ में पक्का चिट्ठा हो जाएगा जी, बॉर्डर छोड़ेंगे। और बहुत काम है इनके, उन्हें करो, उन्हें क्यों नहीं करते ये? हाँ उन्हें क्यों नहीं करते ये इन्होंने? और फिर बात यह है, 7 साल हो गए केंद्र में हो गई इन्हें, और 7 साल तो इन्हें झूठ के अलावा इन्हें दूसरा काम नहीं करा। मैं कुछ बिकने नहीं दूंगा, सारा देश बेच दे। किसान तो कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करने का। इसने किसान 7 साल के अंदर धरती में तैर दिया, परमात्मा ने इसे सद्बुद्धि दी, इसने विनाश बचा दिया। ये 8-7 दिन में देखेंगे क्या फैसला देगा। हेलो हेलो, जो तीनों कृषि कानून बिल वापस हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? 1 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं लग रहा तो देखो, जब जिसे किसान को खेत में रहना था वो 1 साल बरते यहाँ पड़ा है भाई, तो बड़े दुख की बात है। ये तो 2 दिन का काम था, पहले ही कर देने थे इसे। रही बात या जी, हमें जरूरत नहीं थी इन कानून की। 1 साल से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका खेती में भी नुकसान हुआ, जो 1 साल से अपना घर बार छोड़ के परिवार से दूर है, इसका खमियाजा कैसे होगा? किसान माफ कर पाएगा कभी? नहीं, किसान को कर माफ कर देगा, किसान को ही तो हालत का पता अपने, क्योंकि कहीं कहीं लाख रुपए के घाटे में है। मोदी जी कल आके कह रहे हैं कि सारे किसान भाई अपने घर जाए, अपने परिवार से मिले। परिवार से मिले, सुनो तो परिवार में मिल के क्या करेंगे बताओ? ये हमें जी बिल, हमें इन बिलों की जरूरत नहीं थी, ये हमें बिल दे दिए ना, हमें वापिस कर ले। वापिस के कर ले, अरे MSP पे गारंटी दो, MSP पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, जो उनसे काम करवाओ, ये किसानों पर मुकदमे लगा रखे, इन्हें वापिस लो, पहले तो इन्हें वापिस लो। और बहुत काम है इनके, उन्हें करो, उन्हें क्यों नहीं करते ये? हाँ उन्हें क्यों नहीं करते ये इन्होंने? और फिर बात यह है, 7 साल हो गए केंद्र में हो गई इन्हें, और 7 साल तो इन्हें झूठ के अलावा इन्हें दूसरा काम नहीं करा। मैं कुछ बिकने नहीं दूंगा, सारा देश बेच दिया, सारा प्राइवेट को दे दिया। एक जी आज इनके दौरे नहीं रहा सरकार के, सारे जो है प्राइवेट के हो गए। रेल इनके दौरे नहीं, रेल का कल्याण कर दिया इन्होंने, छोड़ा ही के देश में, देश तो सारा बेच दिया इन्होंने, देश में छोड़ा के इन्होंने। और जब किसान के बेचने की बारी थी, किसान डरा और केक रखा इसमें। आपको क्या लग रहा कि यूपी चुनाव को देखकर ही मोदी जी ऐसा वापस लेने का काम किए? इसे तो बहुत पहले लेने चाहिए थे, इसका जमीर वारी जाग गया। अच्छा चुनाव को देखते हुए जाग गया होगा, पर हम जब मानेंगे जी मारे हाथ में पक्का चिट्ठा हो लगा जी, बॉर्डर छोड़ देंगे। किसी ने नु कहा कि आंधी तेरा भी आ, मतलब जब मानूंगी जब कोड़ी मार लगा, इसकी बात से हम अभी संतुष्ट नहीं है। इनने जो भी जो है मतलब बयान दिए, जो भी कहा किसानों के लिए, तो देश के लिए तो उसका उल्टा कराया। इसने कहा कि मैं किसान की आय दूनी कर दूंगा, लेकिन इसने दूनी की बजाय आधी कर दी। इसने कहा कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, इसने टुकड़ों में जो है मतलब सब अड़ंगा बेच दिया। और इसने इबनू कहा कि मैं माफ़ी भी मांगी, इन्हू भी कहा कि भाई हमारी उसमें भक्ति में तपस्या में कोई कमी रहेगी, हम किसान को संतुष्ट नहीं कर पाए। यह अभी चुर्रेट छोड़ दी अखबार, इसमें छोटे किसान को फायदा है और बड़े किसान को जो है मतलब इसका वो है। छोटे बड़े में किसान, अरे किसान तो किसान ही है, 1 बीघे का हो या 100 बीघे का हो, 100 बीघे वाला भी किसान है, 1 बीघे वाला भी। आंदोलन में कम से करीब 750 लोगों की जान चलेगी, तो क्या लग रहा है किसान कभी भी माफ कर पाएगी मोदी सरकार को? किसान तो कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करने का। इसने किसान 7 साल के अंदर धरती में तैर दिया, जैसा कि एक बार 25 रुपये उत्तर प्रदेश में गांजे पर बधाए, 7 रुपये किलो चीनी पर बढ़ाए दिए, 13 किलो चीनी लिकड़े और शीरा रह गया अलग, 1 क्विंटल गांजे में तो 13 किलो चीनी आवे, 93.91 रुपये का फायदा मिल मालिक को कर दिया 1 क्विंटल पे, और किसान के 25 रुपये बढ़ाए, 91 रुपये का लोड गरीब जनता पर जाएगा, गरीब पर जाएगा, सीधा बात, ये सोचने की बात है। लेकिन ये तो राज्य हो जाए कि भाई किसान के तो 25 बढ़ा दिए, किसान राज्य हो जाए हमारे 25 बढ़ गए, गरीब जनता नु सोच जा कि भाई किसानों के 25 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन गरीब जनता को नु नहीं बारा, 1391 रुपये का लोड तुम्हें पतो आन पड़ा और मिल किसान के तो 25 रुपये चले गए, जनता पर 91 रुपये का लोड हो गया और मिल मालिकों को बाकी का फायदा होगा।
अच्छा, कई बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने आरोप लगाया था कि आंदोलनजीवी हैं, खालिस्तानी हैं, और कल मोदी जी कह रही हैं किसान हैं। यही तो मेरे देश का दुर्भाग है। अगर जो ये 11 महीने पहले एक महीने के अंदर अंदर जब आंदोलन शुरू हुआ, ये डिसीजन लेना चाहिए था। यही तो जो है मतलब मेरे देश का दुर्भाग है। एक जिम्मेदार होते हुए अपन झूठ बोल रहे और ये डिसीजन नहीं ले सका, ये इस किसान के हक में डिसीजन नहीं ले सका। जिस देश का किसान खुशहाल है वो देश खुद ब खुद खुशहाल है, जिस देश का अन्नदाता दुखी है उस देश का तो विनाश जरूरी है। परमात्मा ने इसे सद्बुद्धि दी, इसने विनाश बचा लिया। इब 8-7 दिन में देखेंगे क्या फैसला देगा, यू क्या लागू करेगा भाई। और दूसरी बात यह है जो हमारा नेता फैसला लेगा, मीटिंग चल रही है, संयुक्त मोर्चा लेगा, जो राकेश टिकैत कहेगा वो ही करेगा।